भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहस्यहन वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े श्रवण मास, जो उनका सबसे प्रिय मास है, वह आखिर हम क्यों मनाते हैं। सावन माह की शुरुआत के साथ ही भारत में त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन माह में हर सोमवार को श्रद्धालु व्रत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि व्रत रखने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सावन माह में हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह इस वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। पंडित त्रिविदत्त शास्त्री ने बताया कि श्रावण मास भगवान शिव की पूजा, उपासना एवं उपवास के लिए है। भगवान शिव को श्रावण मास सर्वाधिक प्रिय है। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर होम करने के बाद जब उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने श्रावण मास में भगवान शिव की विधिवत पूजा उपासना की थी। इसके कारण उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। इसी कारण भगवान शिव को यह मास बहुत प्रिय है। श्रावण में सोमवार का दिन तो भगवान शिव की पूजा का ही दिन है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से 16 सोमवार तक व्रत करने पर मनोकामना की पूर्ति होती है। कार्तिक मास की अमावस्या तक रोटक नामक व्रत किया जाता है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से शुरू करते हुए कार्तिक मास की अमावस्या तक रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत अर्थ सिद्धि प्रदाता है। यही कारण है कि सभी शिव भक्त श्रावण के सोमवार को व्रत रखते हैं एवं पूजा उपासना करते हैं। श्रावण के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं शिव कृपा प्राप्ति के उद्देश्य से श्रावण के सोमवार का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। हे महादेव, मेरे इस संकल्प को पूर्ण करें। इसके उपरांत शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध व जल से विधिवत पूजन करें। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति शिव की पूजा करें, विधि और नियम से करें और उससे भी बढ़कर अपने मन के भावों को पुनर्तन समर्पित करके करें। बिना भाव के, बिना प्रेम के की गई पूजा का उतना फल नहीं मिलता। धर्म सिंधु के अनुसार शिवलिंग की प्रतिष्ठा के लिए श्रावण मास श्रेष्ठ है। श्रावण मास का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। आइए 10 विशेष बातों से जानें इस पवित्र महीने की विशेषताएं। 1. श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। 2. इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। 3. शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। 4. सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। 5. भारत के पश्चिम तटीय राज्यों महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। 6. श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया अथवा कांवलिया कहा जाता है। 7. पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांव में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली।
8. सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा तीन प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। सावन सोमवार व्रत। श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। 16. सोमवार व्रत। सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद ही शुभ समय माना जाता है। प्रदोष व्रत। सावन में भगवान शिव एवं माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। 9. सावन का ज्योतिष महत्व यह है कि श्रावण मास के प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। 10. सावन मास शिवजी के साथ माँ पार्वती को भी समर्पित है। भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करता है, उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए भी सावन में शिव जी का व्रत रखती हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य भक्तजन को शेयर करें।